आज आठ के आठ विधायकों ने शपथ ली है और हमारा ये संकल्प था कि जब तक अकबरुद्दीन जैसे व्यक्ति को स्पीकर बनाकर कांग्रेस सरकार बिठाएगी हम शपथ नहीं लेंगे। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी स्पीकर चेयर से उतरे और गड्डम प्रसाद जी स्पीकर चेयर पे आज उपस्थित रहे बैठे और उनके समक्ष आज आठ के आठ विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली है। देखिए तेलंगाना में कांग्रेस का छह गारंटीज पर उन्होंने सत्ता हासिल की है। अभी छह गारंटीज ये लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा और आज से युद्ध रहेगा कांग्रेस सरकार के ऊपर कि जो तुम्हारा वादा था वो वादा निभाओ, यही इस पर हमारा युद्ध रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि छह गारंटीज ये लोग पूरा कर सकेंगे तेलंगाना में, क्योंकि मुख्यमंत्री केसीआर साहब जाते जाते तेलंगाना को कर्जे में डाल कर गए और छह गारंटीज कांग्रेस सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए हजारों करोड़ का अमाउंट चाहिए। तो अब ये देखना है कि रेवंत रेड्डी जी जो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से, क्या इटली से पैसा उनको आएगा या सोनिया गांधी जी उनको पैसा देगी या कांग्रेस ऑफिस से उनको पैसा आएगा, कहां से आएगा अब ये देखना है। मुझे नहीं लगता है कि छह गारंटीज पर ये लोग खड़े रहेंगे और बहुत ही जल्द तेलंगाना की जनता कांग्रेस का असली चेहरा देख लेगी।